खैरिया टाउन और गडाप टाउन से जो आने वाला सैलाबी पानी है वो यहीं से गिरेगा और यहाँ पर भी पानी की रफ्तार देखें कितना तेज है। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुबा डिस्कवर में खुश आमदीद। इस वक्त मैं मलिर डैम की साइट पर मौजूद हूँ। वैसे तो बेसिक ये जो कि मलिर का आखिरी हदूद है, यहाँ से आगे जो कि M9 मोटरवे लगता है, यहाँ के मनाजिर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर अगर आप मेरी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं तो काफ़ी खूबसूरत सा शावर यहाँ पर हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आप लोग हम लोगों को कराची वालों को काफ़ी कम इस तरीके की चीज़ें कराची के अंदर नज़र आती हैं, जो कि यहाँ पर शावर की सूरत में हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि जो यहाँ से गुज़र रहे हैं वो यहाँ पर लाजमी रुक रहे हैं यहाँ पर इंजॉय करने के लिए, और जबकि यहाँ से जाने वाले और आने वाले अफराद इस तरफ का रुख लाजमी कर रहे हैं। मैं ज़रा सा आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये आप देखें जूम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तर कार, तमाम तर हाई रूफ, तमाम तर फैमिलीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और माशाल्लाह यहाँ पर खूबसूरत माहौल है। यहाँ पर शावर की सूरत में पानी जो कि रन कर रहा है। ये बेसिक मलिर का डैम है और यहाँ से तमाम तर जो गोट होते हैं वो लगता है, जैसे कि उस्माना गोट। और मैं ज़रा सा आपको ये बता दूँ, ये जो यहाँ का जो पानी जो मलिर डैम के अंदर जो ओवर फ्लो होकर गिर रहा है, इसका एक टाइम है। अभी टाइम थोड़ी देर के बाद होगा तो उसके बाद दोबारा और ज़्यादा तेज़ी के साथ पानी गिरेगा, जब पीछे से बहरिया टाउन और गडाप टाउन से जो आने वाला सैलाबी पानी है वो यहीं से गिरेगा और यहाँ से तमाम तर लोगों को हटाने के लिए जो हमारी पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर तैनात हो जाएंगे। अभी इस वक्त हमारे को कोई देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर पानी का फ्लो अभी थोड़ा कम है। अभी इस वक्त मैं बिल्कुल अंदर मौजूद हूँ इस नदी के अंदर डैम के हिस्से में, बिल्कुल सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोग सेल्फीज़ लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर वीडियोज़ बनाते हुए आ रहे हो, हम भी उन्हीं में से एक शुमार हैं। आप लोगों को अपडेट फराहम करने के लिए यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, जबकि मैं यहाँ से रनिंग में थोड़ा सा चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ यहाँ पर शावर की सूरत में पानी किस तरीके से आगे रन कर रहा है। और इस तरीके के मनाजिर हमें ज़्यादातर नाले पे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी अब जो कि साफ पानी है, बिल्कुल मीठा कुदरती पानी है। और आप इसको देखें, पानी की आप आवाज़ चेक करें, कितना सुरीली आवाज़ है और कितना ज़बरदस्त आवाज़ है। इस तरीके के मनाजिर हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि पानी देखें कितना ठंडा हो रहा है, तो मैंने ये पानी में पेड़ डाला है, बहुत ठंडा पानी हो रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, पानी का बहाव बहुत तेज़ है कि मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा सकूँ यहाँ के मनाजिर। ये देखें कितने ज़बरदस्त मनाजिर नज़र आ रहे हैं, और आप देखें इस तरीके के मनाजिर, यकीन करें मुझे दिखाने में बहुत खुशी होती है जब इस तरीके का माहौल मुझे दिखता है, तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को पूरा रिव्यू दूँ यहाँ का। और यहाँ पर जो मनाजिर जो हमें नज़र आ रहे हैं, एक और शावर की सूरत में हमें नज़र आ रहा है, थोड़ा सा वो भी मैं आपको दिखाऊँ। देखें पानी जो है ना अपना रास्ता बनाती है, पानी को अगर थोड़ा सा रास्ता मिल जाए, ये देखें कितना साफ सुथरा पानी और कितना ज़बरदस्त किस्म का पानी यहाँ से शावर की सूरत में आगे की तरफ रवाना हो रहा है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे ये नाले का गटर का पानी है, लेकिन भाई जो इस डैम को जानते हैं, जो इस डैम की तरफ आ चुके हैं, उनको पता है। और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, कुदरती पानी है, अल्लाह पाक की रहमत है जो इस पानी के ज़रिए हमें नज़र आ रहा है। और बहुत ही ठंडा पानी है, मैंने अभी पेड़ डाला, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि नहाने को, लेकिन मैं मजबूर हूँ, नहा नहीं सकता क्योंकि इस वक्त मेरे साथ जो कि पूरा मुकम्मल मीडिया का पूरा बैग है, और मैं आपको सिर्फ यहाँ के मनाजिर दिखाने के लिए यहाँ पर इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें लोग जो कि यहाँ पर एक दूसरे को आवाज़ें लगा रहे हैं ताकि यहाँ से जो कि यहाँ के मनाजिर चेक किया जाए। और ये देखें, अगर मैं बात करूँ इस पानी के अंदर और इसमें मीठे पानी की जो मछलियाँ होती हैं वो भी इसमें मौजूद हैं, और बाकायदा उस पार वहाँ पर लोग जो कि शिकार भी हमें करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ से मैं आया था, मैं वहीं से थोड़ा सा वापस पीछे की तरफ चलूँ और मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें
थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ के जो ऊपर से जो पानी आ रहा है दिखें, ये देखें ये मनाजिर जो कि ऊपर की तरफ है, ऊपर से पानी आ रहा है वो सारा ओवरफ्लो होकर सारा ये इस तरफ यहाँ से रनिंग कर रहा है, और यहाँ से फिर वो बीच वाले हिस्से में भी काफ़ी जो कि ज़बरदस्त मनाजिर थे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और ये देखें मैं दोबारा जो कि पानी में पैर मैंने डाला, और यकीन करें काफ़ी, ये देखें काफ़ी ठंडा पानी हो रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ के मनाजिर हैं। हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाकर मनाजिर दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर भी स्मॉल साइज़ के शावर हमें नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये सारा साफ पानी है, मीठा पानी है, और सारा ये जाकर नदी में मिलता है, और नदी के बाद फिर ये जो कोसवे नदी और क्रॉसिंग नदी को मुतासिर करते हुए सीधा ये समुंदर में जाकर मिल जाता है। ये डैम यहाँ पर जो मौजूद है, इस डैम का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है यहाँ के इलाके को पानी पहुँचाने का, इसके अलावा और यहाँ की जितनी भी आबादी है उनको बचाने का। अगर ये डैम यहाँ पर नहीं होता और पानी का जो सलाबी रेरा है वो इस तरीके से अगर यहाँ पर छोड़ा जाता, तो यहाँ पर जितने भी उस्मानाबाद, उस्माना गोड और मेमन गोड, सुमो गोड, ये सारे मुतासर हो जाते, और जाहिर सी बात है आप लोगों को पता ही है सारे समुंदरों में भेज जाते। अभी भी बहुत सारे जो के समुंदर है, जो के बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिसको खाली कराई गई थी आबादियां, और ये देखें यहाँ पर भी पानी की रफ़्तार देखें कितना तेज़ है। मुझे उस वाले पत्थर पे जाना है, फिर वहाँ से आगे जाना है, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। ये देखें यहाँ के ये ख़ूबसूरत मनाजिर हैं, तो मज़ीद मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको। मनाजिर चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है ये आप देखें, और ये पूरा डैम का हिस्सा है, और ये देखें कितना काफ़ी पानी जो के यहाँ पर इसने होल्ड किया हुआ है। अगर ये पानी तमाम तर यहाँ से अगर आगे निकलता है तो आपको पता है कितना ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये देखें ये चेक करें किसी, ये देखें मुकम्मल जो सीन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।